मेघालय के कोयला खदान में अब तक फंसे हैं 15 मजदूर। नमस्कार, मेघालय के कोयला खदान में 13 दिसंबर से फंसे 15 मजदूरों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मेघालय प्रशासन, भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ के साथ ही अन्य कई एजेंसियों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास के बावजूद बचाव अभियान में अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। इस मार्मिक घटना की अब तक की स्थिति पर प्रकाश डालती इस स्टोरी के साथ मैं श्री प्रकाश। मेघालय के अवैध कोयला खदान में फंसे 15 श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के 24वें दिन भी मौके पर मौजूद सभी एजेंसियां पूरी तत्परता से जुटी रही, लेकिन अब तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह से उड़ीसा अग्निशामक विभाग द्वारा पंप के जरिए खदान में से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि सुबह के वक्त पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पानी निकालने के लिए और भी 2 पंप कोल इंडिया लिमिटेड तथा किर्लोस्कर द्वारा लगाए गए हैं, जिससे काफ़ी तेज़ी से पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जितनी पानी निकलती है वह फिर से वापस उसमें भर जाती है। कोल इंडिया द्वारा खदान के ऊपर प्लेटफार्म बनाकर पंप लगाने का अभियान शुरू किया गया था, जो सफल रहा। वहीं किर्लोस्कर भी अपने स्तर पर प्लेटफार्म बनाकर पंप लगाकर पानी निकालने के काम में जुटी हुई है। इन सब के बीच एनडीआरएफ पूरी तरह से इन एजेंसियों को सहयोग दे रही है, ताकि शीघ्रतापूर्वक इसमें लापता हुए मजदूरों का पता लगाया जा सके। काफ़ी मशक्क़त के बाद शाम के वक्त खदान के जलस्तर में 3.5 फीट की कमी दर्ज की गई। अग्निशामक विभाग के सूत्रों ने बताया कि दिन भर में 9 लाख लीटर पानी 2 पंपों के द्वारा निकाला गया। दोपहर 3:30 बजे के करीब कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भी इसमें पंप लगा दिए गए, जो शनिवार से पानी निकालने का काम प्रारंभ कर चुकी है। वहीं किर्लोस्कर कंपनी द्वारा भी 2 पंप लगाए गए हैं। इन पंपों द्वारा भी पानी निकालने का काम शनिवार की सुबह से शुरू हो गया। एनडीआरएफ के बड़ी संख्या में जवान पहले से ही इस कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय नौसेना के जवान भी इसके जलस्तर को कम करने के लिए विभिन्न तरह से प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिला के साइपुंग थाना अंतर्गत कसान गांव में स्थित एक कोयले की खदान में अचानक पानी भर जाने से अंदर कोयला खोद रहे 15 श्रमिक बीते 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं। ज्ञात हो कि जिस स्थान पर श्रमिक फंसे हैं वहां पर लगभग 90 खदानें हैं, जबकि खदान के पास लगभग 500 मीटर की दूरी से होकर बहने वाली लाइटेन नदी का पानी भी खदान में आने की संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से हादसे वाले खदान के पानी के स्तर में कमी नहीं आ रही है। इसी बीच 4 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सेंट्रल माइंस की ओर से इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में एक प्रतिवेदन दाखिल किया गया, जिसमें इस रैट होल माइंस दुर्घटना के संदर्भ में व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से इसमें लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए अब तक क्या क्या उपाय किए गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा कि दुर्भाग्यवश मेघालय की रैट होल माइंस की तुलना थाईलैंड की गुफाओं से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कोई ब्लूप्रिंट इन गुफाओं के बारे में तैयार नहीं किया गया था। यह खनन अवैध रूप से किए जा रहे थे। किस दिशा में मजदूर खुदाई कर रहे थे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने न्यायालय से अपील की कि वह तमाम स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त करें, ताकि वे सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर निगरानी रख रही है और अत्यावश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस खदान में बढ़े हुए जल को निकालने के लिए 100 HP का मोटर लगाने की आवश्यकता है, जबकि अब तक सिर्फ 25 HP के मोटर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस दौरान उच्चतम न्यायालय में NDRF के प्रमुख भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार को इस विषय में हलफनामा दायर करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 जनवरी को न्यायालय में इसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी देने को कही गई थी। किर्लोस्कर कंपनी, उड़ीसा फायर सर्विस, कोल इंडिया लिमिटेड आदि द्वारा लगाए गए पंपों के जरिए 5 जनवरी को करीब 1 लाख लीटर पानी निकाला गया था, लेकिन 6 जनवरी को इसमें से कई पंप खराब हो गए और पानी वापस फिर से उतना ही खदान के अंदर भर गया।
सुनते हैं कि इस अभियान को चला रहे प्रथम एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार ने घटनास्थल से फोन पर हुई बातचीत के दौरान इस संबंध में क्या बातें कही। जी, दिनांक 13 तारीख को शाम को करीब 6:30 बजे हमारे कंट्रोल रूम में हमें यहाँ राज्य प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई थी इस तरह के कुछ खान श्रमिक जो है वो ऐसे ऐसे फंस गए हैं, और अगले आधे घंटे के अंदर में एनडीआरएफ की 2 फुल फ्लेज टीम जो कि हमेशा किसी भी आपदा के लिए तैयार होती है वो चल पड़ी वहां से, और रात करीब 2:30 बजे हम यहाँ खिलेरी हाट हेडक्वार्टर तक मुख्यालय तक पहुंच गए थे। वहां से हमें गाइड मिला जिससे कि हम सुबह 4:30 बजे तक हम साइट पे थे। वहां पे फर्स्ट लाइट के साथ ही हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जायजा लिया तो हमने ये पाया कि यहाँ पे कुआं एक मेन शाफ्ट जो कि कुएं की तरह गया है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने शुरुआती तौर पे कोई पॉइजनस गैस वगैरह न हो तो हमारे पास इक्विपमेंट गैस डिटेक्टर वगैरह है उसको पहले सेफ्टी और सारा प्रिकॉशंस लेते हुए हम नीचे गए, और हमने ये ज्यादा पाया कि लगभग 240 फीट नीचे पानी की सतह है, और पानी की सतह के नीचे और कितनी गहराई है एक लमसम अंदाजा लगाया तो जो कि करीब 70 फीट से ज्यादा था, 70-80 फीट से कहीं ज्यादा पानी होगा तो हमारे लिए वहां पे डाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और कोई रास्ता नहीं था, हमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई मैप हमारे पास नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। कितने श्रमिक हैं उनका भी शुरुआती तौर पे मीडिया के द्वारा ही पता चला था प्रशासन को कि करीब 13 श्रमिक हैं, जो कि बाद में कुछ दिनों में 14 और फिर 15 की जानकारी है। शुरुआती हमने फिर उसमें डाइव करने की कोशिश की, और हमारे गोताखोर जिनकी करीब 9 गोताखोरों के साथ में हमारी पूरी स्कूबा डाइविंग सेट है उनको हमने नीचे उतारा तो ये पाया कि जो कि हमारी क्षमता 40 फीट की अधिकतम होती है, हमारी ट्रेनिंग हमारी है कि इससे ज्यादा अगर गोता लगाया जाए नीचे की तरफ से प्रेशराइज टैंक टाइप सिचुएशन में तो रेस्क्यूअर की भी जान को खतरा है, क्योंकि उस तरह का दबाव एक मानव शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है उससे ज्यादा। फिर हमने पाया कि पानी उससे कहीं ज्यादा है, 70-80 फीट से ज्यादा, तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि आप इस पानी को थोड़ा कम कीजिए या फिर कोई और तरीका बताएं। उन्हें वो भी लाचार थे क्योंकि उनके पास कोई मैप या ब्लूप्रिंट नहीं था, एकमात्र रास्ता उस पानी के रास्ते ही हमें नीचे उन रेट होल्स तक पहुंचना था। तो उसके बाद जब वहाँ हमने एंकरिंग करके हमने इम्प्रोवाइज रूप से बना के नीचे कोशिश की कि कोई अगर मुख्य कोई बॉडी अगर उस मेन शाफ्ट में कोई है तो हम उसे निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें भी सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद हमने अपने गुवाहाटी मुख्यालय पे हमने रिक्वेस्ट की कि एक सोनार करके हमारे पास में एक सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है, पूरी रात गुवाहाटी से चल के सुबह अगले दिन हमारे पास वो भी पहुंचा, और अफसोस कि वो भी कोई हमें पुख्ता रिजल्ट नहीं दे पाया। उसके बाद में हम लगातार देखते रहे पानी, हमने रिक्वेस्ट की कि पंप्स लगाए जाएं, प्रशासन ने हमें 25 हॉर्स पावर के पंप जो कि शुरुआती 2 लगे थे उसके बाद में कई और आए अगले 2-3 दिनों में, और उन पंप से पानी निकाले जाने लगा, लेकिन पंप चूंकि बहुत पुराने थे और इस रिमोट एरिया में इससे बेहतर कोई पंप उपलब्ध नहीं था तो प्रशासन ने जो है मैकेनिक्स वो साइट पे ही बुला लिया, पंप लगते रहे, पंप पानी निकलता रहा, लेकिन अफसोस कि पानी का लेवल कम नहीं हो रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट की कि किसी माइन एक्सपर्ट को बुलाया जाए, तो डायरेक्टरेट जनरल माइन सेफ्टी से श्री अशोक कुमार डायरेक्टर जो कि गुवाहाटी बेस्ड हैं वो आए अपनी टीम के साथ में। उन्होंने अलग अलग अपने तरीकों से ये अंदाजा लगाया कि ये माइन सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास की जो 90 से ज्यादा माइन है खदानें हैं सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और अकेला इसका पानी नहीं है, पानी सभी का है, इसी वजह से पानी का स्तर नहीं गिर रहा है। फिर उसके बाद में कहीं पास में ही एक लिटिन करके एक नदी बहती है, नज़दीकी 800 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दूरी है और नज़दीकी 360 से 800 मीटर की दूरी पर बहती है, तो कहीं उस ब्रीवर वैली में कहीं नदी का पानी तो नहीं है, तो उनकी सतह का नाप करने पे उन्होंने यह भी शक जताया, और फिर पानी के सैंपल्स लिए गए उनके द्वारा जो कि नदी का पानी और इस मेन शाफ्ट का पानी प्लस और भी जो अबंडेंट माइंस थी उनका भी पानी का लिया गया, और उन सारे का एक निराशाजनक परिणाम ये भी आया कि सभी पानी का पीएच वैल्यू 6.5 ही था जो कि माइन के पानी बिल्कुल नहीं था। तो ये शक कहीं पुख्ता हो गया कि इस मेन शाफ्ट में कहीं ना कहीं नदी इनडायरेक्टली पानी आ रहा है, इस मेन शाफ्ट का इस खदान का पानी नहीं है। तो अब ये ऑपरेशन और भी मुश्किल हो गया क्योंकि उन जो पंप वहाँ पे पहले से डिप्लॉयड थे वो कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, 7-8 दिन हो गया। इसी दौरान एक साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से 24 घंटे तक लगातार इस इलाके में बारिश होती रही जहाँ पे हमको पहुँचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हम अपना सामान लेके कैसे करके वहाँ पे पहुँचते और अपना हमने ऑपरेशन जारी रखा। रोजाना 2-3 बार हम डाइव करते रहे इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ हमें शायद कोई मेन शाफ्ट में आ जाए,
लेकिन दूसरे ही दिन हमने कंफर्म कर दिया था कि इस मेन शाफ्ट में जिसकी की गहराई 370-380 फीट से कहीं ज़्यादा है पूरी तरह से कम से कम कोई नहीं है। अगर कोई श्रमिक फंसा हुआ है तो वो जो लैटरल टनल्स हैं उनमें कहीं जाके फंसा होगा, लेकिन कहाँ है, किस दिशा में है, उसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता होगा जब हम जमीन की तल तक पहुँच पाए। लेकिन अफसोस कि अभी तक वो जो पंप प्रशासन द्वारा लगाए गए थे वो नाकाफ़ी थे, और माइन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो पंप बताए गए थे वो यहाँ शायद लोकली इनको ले पाना बहुत मुश्किल था। इस दौरान प्रशासन ने एक विशेषज्ञ की राय जानने के लिए एक रिनोन्ड रेस्क्यूअर है मिस्टर जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने सन 1989 और 91 में बंगाल की किसी खदान से 65 मजदूरों को जिन जीवित बचाया था, उनकी भी राय ली गई और उन्हें बुलाया गया साइट पे। उन्होंने भी एनालिसिस करके बताया कि यहाँ पर ये पंप कामयाब नहीं होंगे। जी बंद के तहत से आप कह सकते हैं कि तलाश तो हम लगातार जा रहे हैं नीचे, अभी भी जाते हैं नीचे, इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद कोई मजदूर जो कि लैटरल माइंस में होल्स में तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन शायद कोई मेन होल मेन शाफ्ट में आ जाए किसी तरह से, इस उम्मीद में तो हम अभी भी जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जब तक पानी का स्तर कम नहीं हो जाता है तब तक NDRF या किसी डाइवर के लिए हमें जमीन की सतह तक पहुंचना होगा, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा पाएं कि किस तरफ हुआ था, फिर आगे की कार्रवाई हम कर पाने में सफल होंगे। तमाम प्रयासों के बावजूद खदान के अंदर जलस्तर में कोई कमी नहीं आ रही है। इस दुर्घटना के बाद जिस प्रकार मेघालय के इन अवैध रैट होल माइंस का खुलासा हुआ है, वह मेघालय सरकार, स्थानीय संगठनों एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों की असलियत का पोल खोलती है। गरीब मजदूरों की जान से इस प्रकार से होता रहा खिलवाड़ शर्मनाक है। सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि खदान में फंसे मजदूर सकुशल निकाले जा सकें। समाचारों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार। हो सके तो कृपया हमारी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। धन्यवाद।